कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं।